आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, फिजिक्स और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। पर हमें गिवन है one -methyl जिसको के साथ रिएक्ट करवाना है। है पर इस तरह से हमें गिवन है, one -methyl

मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोटोनेशन होती है मतलब ये जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है एच प्लस एन हो रहा है उस कार्बन पर होगा ऑन द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आइटम जिस कार्बन पर ज्यादा होंगे तो ये वाला अगर हम यहाँ पर देखें ये वाले कार्बन ने थ्री बॉन्ड फॉर्म कर लिया एक हाइड्रोजन यहाँ पर है एंड ये वाले कार्बन ने यहाँ पर दो बॉन्ड यहाँ फॉर्म कर लिए कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ यहाँ एक कार्बन के साथ यहाँ तो इस कार्बन पर तो हाइड्रोजन आइटम है ही नहीं तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है उस पर एड होना चाहिए ये वाला हाइड्रोजन फ्रॉम दी एसिड तो यहाँ पर इस तरह से CH3, ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो गया अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आइटम ऑलरेडी था एक हाइड्रोजन आइटम आ जाएगा फ्रॉम दी एसिड अब यहाँ पर ये वाले कार्बन पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास तो थ्री बॉन्ड रह रहेगा इसका तो ऑक्टेट कम्पलीट हो गया तो अब क्या होगा ये जो आईड्राइड आयन है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा एंड इस कार्बोकेटायन पर अटैक कर लेगा ये ऑलरेडी एक टर्शरी कार्बोकेटायन है टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकेटायन टर्शरी कर कार्बोकेटायन में क्या होता है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो थ्री ग्रुप से बॉन्डेड होता है थ्री कार्बन आइटम से बॉन्डेड होता है जिस टर्शरी कार्बोकेटायन तो टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबल है आयन अटैक किया इस पर तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसके अंदर आएगा यहाँ पर है ये साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर हाइड्रोजन बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर है सी एच थ्री एंड जो आयोडीन है यहाँ पर ही बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो अब इसका नेम क्या होगा आईपैक नेम हमें लिखना है तो आई पैक नेम के लिए हम नंबरिंग करते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन आइटम की चेन पेरेंट चेन होती है इसके अंदर सिक्स कार्बन आइटम की यहाँ पर साइकिलें करेंगी पेरेंट चेन है तो यहाँ पर साइक्लो आ जाएगा पेरेंट नेम में एंड सिक्स कार्बन आइटम है तो आ जाएगा हेक्स अब यहाँ पर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है सारे सिंगल कोलिन बॉन्ड है सिंगल कोल बॉन्ड होते हैं इन अल्केन तो यहाँ पर अल्केन का सफिक्स आएगा जो कि होता है इन तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन अब यहाँ पर हमें सब्सिट्यूंट लिखने हैं मिथाइल जो सी एच थ्री ग्रुप है दैट इज मिथाइल एंड जो आयोडीन है वो भी सब्सिट्यूएंट है दैट इज कॉल्ड आयोडो इन नेम अब हमें नंबर करना है पेरेंट चेन को हम करते हैं अकॉर्डिंग टू तो लोअस्ट लोकेंट रूल लोएस्ट लोक एंड रूल के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास सब्सिट्यूएंट है इन्हें लोएस्ट लोकन पॉसिबल मिलना चाहिए तो हम यहीं से नंबरिंग शुरू कर देंगे पेरेंट चेन के वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो यहाँ पर दोनों को ही वन पोजीशन मिली है अब मिथाइल या आयोडो इनमें से किसको पहले लिखा जाना चाहिए लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आई पहले आता है इसलिए यहां पर आई को पहले लिखा जाएगा दोनों का जो यहाँ पर लोकेंट है दोनों का वन है तो यहाँ पर लिखा जाएगा वन आयोडो देन हाइफन से कनेक्ट करेंगे वन मिथाइल को एंड देन ये पेरेंट नेम से कनेक्ट हो जाएगा तो हमें यहाँ पर आयो पैक नेम मिल जाएगा वन आयोडो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेट प्रोडक्ट हैलो प्रोडक्ट फॉर द गिवेन रिएक्शन थैंक यू क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी चाहिए मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करिए डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर